टू माई न्यू ब्लॉग। सो कैसे हैं सब आप लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन। सो राधे राधे अंजा माता दी ऑल। और आप बताइए क्या चल रहा है भाई? यहाँ तो वही एज यूजुअल किचन में है, नाश्ता बनास्ट है। तो यहाँ मैं चीला का पराठा बना रही हूँ, चीले का पराठा बोल रही हूँ, दाल का चीला बना रही हूँ। जो मूंग की दाल होती है उसको पीस के उसका चीला, सो विच इज़ वेरी हेल्दी एंड विच इट इज़ ऑल्सो सो टेस्टी फॉर एवरी वन, यू कैन टेक इन ब्रेकफास्ट। सो ये बन रहा है और साथ के साथ ही अक्षित को जाना है ट्यूशन, तो फटाफट उसे बोल रही हूँ जल्दी जल्दी कर ले। कार्तिक मैंने तुझे पलंग पूरा समेटने के लिए बोला जो तू बार बार लेट जा रहा है। तू 10 बजे सो के उठता है फिर भी तेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है। जल्दी 1 मिनट में पलंग पूरा सेट हो जाना चाहिए, बता रही हूँ मैं। और भाई साहब देखिए, बाबा आए थे अभी बाहर मांगने वाले, तो मैंने उनको पैसे दे दिए कि जब जब ये परेशान करेगा आप आके इसको ले जाना, ठीक है बेटा? मैंने पैसे दे दिए बाबा को। अब आएगा मजा। हाँ तो तंग करोगे जब आएंगे ना वो। सो गाइस बस फटाफट से है फास्ट आज मेरा, और आज वही वर्किंग डे स्टार्ट हो गए हैं, बच्चे आने वाले हैं, सो जल्दी जल्दी घर का काम निपटाते हैं, फिर आप मिलते हैं आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ गाइस। सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड सब कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड जस्ट शेयर विद एवरी वन, विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली मेम्बर्स। सो गाइस प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, व्यूज दीजिए, आगे बढ़ाइए, ब्लॉग्स देखिए मेरे, ताकि आपको अच्छे लगें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल और लोगों से भी करवाइए गाइस। और आज है शनि अमावस्या, सोमावती अमावस्या, साथ में है वट सावित्री व्रत, जो कि हम लोगों के यहाँ नहीं होता है, आई थिंक बिहार साइड में होता है, एज करवा चौथ की तरह होता है बिल्कुल वो, तो वो है। और आज शनिदेव का बर्थडे है, तो जिस जिसको भाई शनिदेव को मनाना है मना लो, जिस जिसके साढ़े साथी ढैया चल रही है शनिदेव को मना लीजिए, उनको बढ़िया बढ़िया से भोग लगाइए, बढ़िया बढ़िया से प्रसाद चढ़ाइए और सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। भोग मैटर्स नहीं करता, आप कितने सच्चाई से उनको मानते हो, आप कितनी गहराई से उनको उनको मान रहे हो। और शनिदेव प्रसन्न तभी होते हैं जब हम अच्छे कर्म करते हैं, क्योंकि शनिदेव को कर्म फलदाता की उपाधि दी गई है। शनिदेव को कर्म फल दाता, कर्म फल दाता इसलिए कहा जाता है कि वो कर्मों के अकॉर्डिंग ही फल देते हैं। अगर अगर हमारी साढ़े साथी चल रही है, ढैया चल रही है, गाइस सीरियसली आई ऑल्सो डिड मैनी थिंग्स ड्यूरिंग माई साढ़े साथी। जब मेरी साढ़े साथी चल रही थी मैं इतना ज़्यादा परेशान थी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मुझे भी मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड, एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, मेरे हस्बैंड जो हैं ऑल्सो आ एस्ट्रोलॉजर, वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने 8 लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी कर रखी है। तो कोई भी अगर मैं ये कोई प्रमोशन के लिए नहीं करी, जस्ट आप लोगों को बता रही हूँ, इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू लाइक शो योर कुंडली, if you have any kind of problem in this, so definitely he can give you suggestions, good suggestions he can give you. तो उनको सब कुछ आता है, कुंडली वगैरह देखना, लोग आते हैं घर पे। कल भी वो जो लड़का हेमंत आया था वो भी इसी चक्कर में आया था, उसे थोड़ा सा अपना कुंडली वगैरह दिखवानी थी, उसको थोड़ा इश्यूज हो रहे थे कुछ। तो गाइस तो उन्हें हर चीज़ की नॉलेज है कि क्या कैसे होता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो शनिदेव हैं वो, और मैंने देखा भी, मैं ना माइथोलॉजिकल जो ये शोज़ टीवी शोज़ होते हैं इनसे मोस्टली जुड़ी रहती हूँ, क्योंकि मुझे माइथोलॉजिकल टीवी शोज़ जो है बहुत पसंद है। कार्तिक पहले नाश्ता कर बेटा, 10 बजे ट्यूशन जाना है, ले कर, ठीक है गाइस? तो मैंने उसमें देखा कि जो शनिदेव हैं उनको कर्म फलदाता की उपाधि दी गई है, वो कर्मों के अकॉर्डिंग ही इंसान को क्या देते हैं, फल देते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो वो अच्छे फल देंगे, और बुरे करेंगे तो डेफिनेटली बुरे काम का बुरा नतीजा तो गाइस होता ही होता है। तो जिसकी भी साढ़े साथी और ढैया चल रही है, सो आई एम सजेस्टिंग यू दैट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे काम कीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, किसी से चिड़िए मत, जलिए मत, आप पूजा पाठ कीजिए, महादेव की पूजा कीजिए। साढ़े सात और ढैया के दौरान जो सबसे ज़्यादा महादेव की पूजा करेगा, तो साढ़े साथी का जो प्रकोप है और ढैया का प्रकोप है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जो महादेव की पूजा करता है और जो बाबा उनकी बालाजी बजरंगबली की पूजा करता है, उन पर भी शनिदेव का जो प्रभाव है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि शनिदेव ने
बजरंग बली को ये मतलब एक कहते ना वरदान ये दिया था कि जो तुम्हें पूजेगा उसके ऊपर मेरी दृष्टि नहीं पड़ेगी। तो जो बजरंग बली और महादेव की पूजा करेगा तो उन वो शनिदेव के प्रकोप से बचा रहेगा। तो जिसकी भी भाई 7:30 चल रही है, ढैया चल रही है, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए, गरीबों को दान दीजिए, किसी का पैसा मत खाइए, ठीक है। अगर आप मान लो रिक्शे में बैठे, उसने बोला 20 रुपये लगेंगे वहां तक जाने के लिए, तो गाइस प्लीज आप उसमें भी बार्गेनिंग मत करो। रिक्शे वाले कितनी मेहनत से रिक्शा खींचते हैं आपको खुद पता है, इतनी भरी गर्मी में भी वो, मैं अपनी बात बता रही हूँ आपको, मॉर्निंग का टाइम है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। कभी अगर मैं रिक्शे वाले को कहीं लेके जाती हूँ ना और 5-10 मिनट अगर वो खड़ा भी रहता है तो मैं 20 के उसे 25 या 30 रुपये दे देती हूँ कि कोई बात नहीं, मेरे लिए वो खड़ा रहा है इतनी बहुत बड़ी बात है। तो गाइज प्लीज आप गरीबों को बहुत ज़्यादा उनकी मतलब मैं ये नहीं कह रही सब कुछ लुटा दो, पर उनको भाई थोड़ा बहुत तो बनता है, पर बार्गेनिंग ना करें प्लीज़। जो गरीब लोग हैं उनके साथ बार्गेनिंग ना करें। सब्जी वाला है 20 रुपये किलो सब्जी दे रहा है, 20 रुपये किलो में भी कई औरतें इतनी चिड़चिड़ करती है, 10 रुपये किलो दे दो, 12 दे दो, 15। अरे ठीक है भाई ले लो, वो भी तो मेहनत कर रहा है, सुबह सुबह मंडी जा रहा है, वहाँ से लेके आ रहा है, फिर आपको देने भी आ रहा है, आपको बेच रहा है, धूप में पसीना बहा रहा है। तो गाइस प्लीज़ गरीबों को जितना देंगे उतना आपको मिलेगा, मैंने यही सीखा है। और एज अ एस्ट्रोलॉजर मेरे जो हस्बैंड है वो यही सिखाते हैं कि किसी को देने से आता है और देंगे ही नहीं तो आएगा कैसे, है ना, सही बात है कि नहीं है। तो गाइस किसी को भी देने के लिए अपने मन में इच्छा मत कीजिए। अगर आपने किसी को खाना खिला दिया तो ये मत बोलिए मैंने उसको खाना खिला दिया। किसी को दान दे दिया तो 10 लोगों को मत सुनाओ कि मैंने ये दान कर दिया, मैंने वो दान कर दिया, भंडारे करवा दिए, ये कर दिया, तो सुनाओ मत। अपने दिल की इच्छा से करो कि हाँ हम ये चीज़ कर रहे हैं, तो उससे बहुत 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 आपको फल मिलेगा। जिस पर शनि देव का प्रभाव है वो भी कम हो जाएगा। और आज शनि जी का बर्थडे है तो शनि देव का बर्थडे मनाइए भैया, उनको भोग लगाइए अच्छे अच्छे स्वीट से। और शनि देव का जो मेन भोग है वो तो काले चने होते हैं, तो आप काले चने भी बना सकते हैं। एक्चुअली मैं सुबह मॉर्निंग में मंदिर गई थी तो मैंने तो रसगुल्लों से भोग लगा दिया, उनको रसगुल्लों चढ़ा कर आ गई, हैप्पी बर्थडे बोलाई, मैंने कहा हैप्पी बर्थडे शनिदेव, बस अपनी कृपा बनाए रखना। बाकी दुख सुख तो सबके साथ है, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो कोई पुजारी हो, चाहे वो दिन रात पूजा करता हो, तो सुख दुख सबके साथ है। दिस इज़ पार्ट ऑफ आर लाइफ, फ्लक्चुएशंस ऑलवेज कम एंड गो इन आर लाइफ, सो देयर इज़ नो एस अ नीड दैट कि अगर कोई पूजा कर रहा है तो वो क्यों परेशान रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ है दुख सुख। और जब तक दुख नहीं आएगा तो सुख का एहसास हमें कैसे होगा, है ना। ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ बीती हुई लाइफ से जितना मेरे साथ हो बीता है अभी तक, जितना मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है उससे सीखा है मैंने कि दुख के बाद जब सुख आता है ना तो उसका एक अलग ही मजा आनंद होता है गाइस, ठीक है। सो गरीबों की सेवा ज्यादा से ज्यादा, अपने घर के लोगों को अच्छे से जो भी है करिए ट्रीट, मैं तो यही कहना चाहूंगी, ठीक है। और गाइस बस यही है कि बस आप ज्यादा से ज्यादा अपना पुण्य कमाइए, कर्म अच्छे कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। यू कैन डू गुड, डेफिनेटली यू गेट गुड रिटर्न, हो के आपके पास अच्छे में ही आएगा। कभी भी कहते हैं ना कि घर में कोई लड़की आ जाए, बहन बेटी आ जाए, मुंह मत बनाओ उससे, दो अगर आप उसे 10 दोगे ना आपके पास पता नहीं कहाँ से 50 आ जाएगा। आप उसे प्यार से एक रोटी खिलाओगे ना पता नहीं आपके पास कहाँ से आ जाएगा। तो मैं यही कह रही हूँ कि बहन बेटियों की सेवा जितनी हो सके उतनी करो आप। और दूसरी बात, गरीबों की सेवा करो। गर्मी में रिक्शे वालों को कुछ नहीं कर सकते आप, फ्रूटीज दे दो उन्हें, किलो भी ले लो, बाहर मंदिर के बैठे रहते हैं लोग उन्हें दे सकते हो आप पानी, फ्रूटी भी नहीं दे सकते तो पानी के पाउचेस लेके दे दीजिए, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो गाइज बस अब चलते हैं, बहुत ज़्यादा काम है। और जो लोग ये सोचते हैं कि मैं ज्ञान बांट रही हूँ, तो यस मैं ज्ञान बांट रही हूँ, मेरे पास जो ज्ञान है सो डेफिनेटली मैं बांटना चाहती हूँ। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अगर मैं आपको ज्ञान बांटूंगी तो क्या पता मेरा ज्ञान डबल हो जाएगा, है ना गाइज। तो चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अब कर ले, अब कर गाइज, हेलो गाइज, अपना फेस दिखाओ ऐसे दूर करके। हेलो गाइस, तो मम्मा आटा गूंद लिए, तो इस तो गाइस कमेंट में बताना कौन आटा गूंदते। और आज मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, बताओ। आज मैं कल को ब्लॉगिंग करना बहुत पसंद है, तो मम्मा आटा गूंद लिए, आपको दिख ले कमेंट में बताना गाइस कौन आटा गूंदता है। तो टेडी टेपल है, तो फरमान मामा से अपन ने बनाया था लकड़ी का, और
तो गाइस ये देखो, मैं बताना गाइस कौन देखता है, कौन मंदिर देखता है। तो गाइस हमारा इधर एसी लग चुका है, अरे इस गोल को काटो ना। तो गाइस हमारा एसी लग चुका है, तो ये दिखलाए गाइस, ये देखो ये कैसे जुकाम हो रहा है बहुत तेज का, और खिलक के इसके ऊपर कुलकुला लगा हुआ है, दिखाऊं गाइस आपको, ये देखो तकिया को दिखा, तकिया को दिखा तो गाइस को, ये देखो गाइस तकिए कितने साल समय लिए अपन ने। अभी गाइस तो गाइस कमेंट में बताओ, कोई भी आता है तो कौन बोलता गड्ढे से कमेंट में बताना गाइस, कमेंट में बताना गाइस क्या तो को घूमते है और अपने भाई को कौन मारता है जो भी स्कूल से आता है। ए, देखो ए, जमीन ए, ए, टाइल टाइल, तो देखो गाइस अबे ढोलक के माली पॉलिसी और अलमारी है गाइस, मम्मा की कॉपी बोलूंगा मैं, नहीं और दिखा तो गाइस है कॉपी है, तेल का डब्बा है और भी तेल है गाइस आपको दिख रहा है, और जल चला के आते लॉज लॉज तो इधर कैमिल गाइस ट्यूशन पढ़ा दिया है थोड़े से बच्चों को, अब शाम वाले दो चार बच्चे इनको शाम को पढ़ाऊंगी, और मैंने रात के लिए आलू मटर की सब्जी छोंक दी है, और कल नाश्ते के लिए मैं करने वाली हूँ उत्पम का बैटर, तो मैंने यहाँ पे राइस भिगो दिए हैं, मैंने यहाँ पे दाल भिगो दी, एक्चुअली मेरे पास ना ये छिलके वाली बहुत सारी दाल पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने कहा कि वेस्ट जाएगी है, इसको भिगा देती हूँ तो उत्पम बन जाएगा, बना लूँगी। एक्चुअली परसों नरसों ने बाहर से डोसे मंगाए थे तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, इन्होंने बोला कि बिल्कुल टेस्टी डोसे नहीं है ये, घर में तो इतना अच्छा बना लेती है, तो मैंने कहा चलो फिर घर में ही बना देते हैं, तो इसको पीस के रख दूंगी तो पूरे दिन में ये क्या हो जाएगा, खमीर जाएगा, फिर कल ये बहुत बढ़िया तरीके से मैं बना सकती हूँ गाइस। तो गाइस बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, 2 बजने वाले हैं, फटाफट से इनको खिला के सुलाना है, फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइज टुडेज स्टडीज गोइंग ऑन, एक्चुअली आई एम टीचिंग राइट नाउ, एंड एक्चुअली देयर आर 4 or 5 स्टूडेंट्स, दे डिडंट कम टूडे, आई थिंक बिकॉज देयर मदर डेफिनेटली विल हैव अ व्हाट सावित्री व्रत, सो दैट्स वाई दे डिडंट कम। सो छवि इज डूइंग वर्क, छवि यू कैन डू फास्ट, एंड ऑल्सो हेयर इज शालिनी, शी इज ऑल्सो डूइंग, सो शालिनी वॉट आर यू डूइंग राइट नाउ, डूइंग You can speak loud. I am doing mixer. Okay, so why English is important for us? Because you can put off your mask, Dadu. Yeah. Because? Because English is very important for us. Hanji and. And. क्या बन गई है English हमारे देश की दूसरी भाषा बन गई है ना? English become. सो गाइस आ चुकी है बहुत ही भयंकर तूफान, ये देखिए, ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा ही मतलब तूफान बहुत तेज वाला आया है, बारिश के साथ लोग गेट भी खुल गया, ये देखिए मैं फटाफट से गेट बंद करके आती हूँ, सभी ऐसे पकड़ के रखना, मैं गेट बंद करके आऊँ, और इसे बात ये देखिए गाइस इतना गंदा तूफान आया है, और ये गमले वमले भी गिर गए हैं, और भैया ऐसे तूफान में तो भैया अंदर ही रहो वही बढ़िया है, और ये देखिए मेरा ट्यूशन का जो वो है बैनर है वो कैसे उड़ रहा है, और क्या मस्त आंधी आई है भगवान, यहाँ डांस हो रहा है, कैसे कैसे
यहाँ डांस हो रहा है। हाँ भाई, हाँ भाई छवि डांस करो। करो डांस करो। या लेट्स डांस, लेट्स डांस। ओए होए, वेरी नाइस। नाचो नाचो नाचो। स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। करे ऊपर, तो ट्री से जब चीजें गिरती हैं तो ये बहुत ज्यादा फैल जाता है। तो यहाँ भी उस साइड भी, बोथ साइड्स आई हैव टू जस्ट क्लीन। सो गाइस आई एम जस्ट गोइंग टू क्लीन। बहुत ज्यादा मैसअप हो रखा है। आफ्टर देन पूजा भी करनी है बिकॉज टुडे इज माय मंडे इज फास्ट। सो लेट्स स्टार्ट क्लीनिंग। सिवैया बन चुकी है और ये भाभी मोबाइल के लिए मचल गए। क्या हो गया? नहीं अच्छा रुक जा, दे रहा हूँ, ब्लॉग बना लूँ। हाँ तो क्या क्या हो रहा है? गुस्सा क्यों हो रहा है? बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। एक जगह बैठ जा, कितना पसीना आ रहा है। और गाइज मम्मा भी पूजा कर रही है उधर। तो गाइज इसी के साथ ब्लॉग एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइज। और कल का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। बाय।